आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अ स्पाइडर एंड अ फ्लाई आर ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर। एज द फ्लाई मूव्स ऑन द सरफेस, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्लास स्फीयर फॉर द स्पाइडर टू बी एबल टू सी इट। अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर इज मच लार्जर देन द साइजेस ऑफ स्पाइडर एंड फ्लाई। टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी टू बी इक्वल टू रूट टू। इसमें जैसे कहा गया है कि एक ग्लास का स्पीयर है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर ताकि हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा हो, और उस पर एक फ्लाई है और एक स्पाइडर है। तो ये मैं स्पाइडर ड्रॉ कर देता हूँ, एस नाम दे देता हूँ उसको, और ये स्पाइडर है हमारा सॉरी और एक फ्लाई है इस पर। तो जैसे फ्लाई इस पर आती है तो हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है ताकि जो हमारा स्पाइडर है वो फ्लाई को देख सके। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जब फ्लाई इधर कहीं कोई रीजन में होगी तो वो कब देख पाएगा स्पाइडर, जब इधर से जो रे है वो बाहर चली जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए रे का, तब जो स्पाइडर से होगा वो। पर अगर जब टोटल इंटरनल TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब वो नहीं देख पाएगा। तो सॉरी तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक्चुअली एकदम लास्ट पॉसिबल केस ले लेते हैं जहाँ पे जो बाहर निकल रही है रे वो 90° एंगल पे निकल रही है एक्चुअली। तो सेम नीचे की साइड भी होगा, तो नीचे की साइड ऐसे जाएगा तो ये जो है एरो उसके एकदम परपेंडिकुलर में निकलेगी। ये 90° एंगल है, ये भी 90° एंगल है। तो जब इधर लास्ट केस होगा हमारा, तभी तक उतने एरिया तक वो देख पाएगा स्पाइडर हमारा फ्लाई को, वरना नहीं देख पाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं कि इधर हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इधर का एंगल हम जो क्रिटिकल एंगल हो जाता है वो आ जाता है सी। तो हम इधर स्नेल्स लॉ लगाते हैं कि साइन सी इक्वल टू 1 into साइन सी जो बाहर से होता है, वन नहीं आएगा इधर, म्यू जो अंदर का म्यू है, ये एंगल हमने सी लिया, म्यू इंटू साइन सी वो बराबर होगा 1 जो बाहर एयर है हमारी, तो एयर का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है जैसे हम सबको पता है, 1 into साइन ऑफ 90° के बराबर हो जाएगा ये। तो इधर से हमारा साइन सी की वैल्यू जो है वो आ जाती है 1/μ, और म्यू की वैल्यू जो ये ग्लास स्फीयर है वो दी गई है √2, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इधर से हमारा जो साइन सी की वैल्यू है वो आ जाती है 1/√2। तो ये तो हमें पता है कि साइन सी 1/√2 कब होगा, जब सी की वैल्यू 45° होगी। तो हम 45° तो ये एंगल 45° हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक अच्छा से डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक्चुअली में ऐसा दिखेगा कि ये जो हमारा ग्लास स्फीयर होगा और ये उसका सेंटर मान लेते हैं, ये एक्सिस मान लेते हैं। अगर इधर है और हमारा स्पाइडर, तो ये वाला जो लाइन होगी इधर एक्चुअली 45° आएगा जब हमारा क्रिटिकल एंगल 45° हो जाएगा, और इधर से 90° पे जो लाइंस बाहर जाएगी रिफ्रैक्ट होके, ये एंगल भी 45° होगा क्योंकि नीचे भी सी होगा, और ये एंगल भी 45 बन जाएंगे बाद में। तो एक्चुअली में टोटल एरिया जो देख पाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हमारा वो पूरा एक ये वाली सरफेस है उसको आप पूरे इसमें इमेजिन करिए कि पूरे ये हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ सर्कल दिख रहा है, हमें पूरा स्पीयर इमेजिन कर रहा है। तो पूरा जो हाफ स्पीयर होगा वो पूरा हमें देख पाएगा अगर फ्लाई कहीं पे भी होगी रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा है आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, इधर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, वो बराबर होगा जो टोटल स्पीयर का जो सरफेस एरिया है उसके हाफ के बराबर, क्योंकि हम पूरे आधे हेमिस्फीयर में देख पाएंगे। तो वो हो जाएगा 2πr². ये है फाइनल आंसर जितने एरिया में हम देख पाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।